कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। माँ का प्यार। गंगापुर नाम के गांव में कमला नाम की एक दूध वाली रहा करती थी। उसे एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सुमन। सुमन दिखने में बहुत खूबसूरत थी और काफी समझदार भी थी। वो अपने माँ से कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। अब सुमन 5 साल की हो गई थी और कमला ने उसका स्कूल में दाखिला कर दिया था। सुमन स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करती थी और उसी के साथ साथ घर आकर अपनी माँ को भी उसके कामों में मदद करती थी। दिन ब दिन सुमन बड़ी हो रही थी। जब सुमन छोटी थी तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर थी। ऐसे ही एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार आया और कमला उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गई। अरे बिटिया, आंखें खोलो, हम अस्पताल जा रहे हैं। माँ, बहुत थकावट लग रही है मुझे। बेटा, बहुत तेज बुखार होने के कारण तुम्हें थकावट लग रही है, बस हम पहुँच ही गए, चलो। अस्पताल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। इसे थोड़ा तेज बुखार है, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप सुबह शाम देते रहना। जी डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर कमला सुमन को लेकर घर चली आती है। कुछ समय बाद उसे खाना खिलाकर दवाइयाँ देती है। शाम होते होते उसका बुखार कम हो गया। बेटी, कल घर पर रहकर ही आराम करना, ठीक है? हाँ माँ। चलो अब हम सो जाते हैं। कमला और सुमन सो जाती है। अगली सुबह उठकर कमला अपना काम पूरा कर लेती है और दूध बेचने गाँव में चली जाती है। यहाँ सुमन घर में ही रहकर आराम कर रही थी और साथ ही में घर के छोटे मोटे काम भी कर रही थी। तभी सुमन की सहेली रश्मि उसके घर आई। अरे सुमन, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे कल बहुत तेज बुखार था, इसी वजह से मैं आज स्कूल में नहीं आई। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहकर सुमन और रश्मि आंगन में खेलने लगी। बहुत देर खेलने के बाद दोनों थक गई और सुमन आराम करने घर में चली आई। सुमन थोड़ी ही देर में सो गई और कुछ देर बाद उसकी माँ घर आई। बेटी रश्मि, तुम कब आई? चाची, मैं कब से आई हूँ, हम दोनों ने बहुत खेल खेले, इसलिए सुमन बहुत थक गई है और वह सो गई। अब आप आ गई है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। कमला सुमन के पास बैठकर उसका बुखार देखती है। अब सुमन को बुखार नहीं था, इसलिए कमला अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद कमला को सुमन की आवाज आई। माँ, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम खाना खाकर दवाइयाँ ले लेना, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसा कहकर कमला उसे खाना खिलाती है और दवाइयाँ देकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम ठीक ठाक हो गई और कमला भी हर रोज की तरह दूध बेचने लगी। इधर सुमन भी स्कूल जाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल से आते वक्त सुमन को रास्ते में एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया जो जख्मी था। सुमन उसे उठाकर अपने घर लेकर आई। कुछ देर बाद कमला घर आई। बेटी सुमन, ये कुत्ता कैसे आया हमारे यहाँ? अरे माँ, रास्ते में इसको जख्मी अवस्था में देखा तो मैं उसे उठाकर घर लेकर आई। अच्छा ठीक है, चलो हम इसे पट्टी बांध देते हैं। हाँ माँ। कमला ने उस कुत्ते के पिल्ले को उठाया और उसकी मलम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वो कुत्ते का पिल्ला ठीक ठाक हो गया और सुमन के साथ मजे से खेलने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब सुमन बड़ी हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। कमला को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सुमन को फिर से अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कमला से कहा, पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द कोई किडनी डोनर ढूंढना होगा। मगर डॉक्टर साहब, किडनी कौन देगा? आपके खून के रिश्तेदार किडनी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मेरी बच्ची को किडनी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसी दिन शाम को ऑपरेशन होने वाला था। कमला घर जाकर अपने सारे काम निपटाकर वापस अस्पताल में आ गई और वो भी एडमिट हो गई। दोनों माँ बेटियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम स्वस्थ हो गई और कमला उसे लेकर घर लौट आई। ऐसे ही एक दिन सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेरे साथ आपको क्यों रखा था अस्पताल में? अरे बेटा छोड़ो वो सब, तुम ठीक ठाक हो यही बहुत है मेरे लिए। माँ बताओ ना मुझे, तुम्हें मेरी कसम। बेटा, उस दिन तुम चक्कर आकर गिर गई थी और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने मेरी किडनी तुम्हें दे दी।
माँ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब क्या हुआ है रोने को? माँ, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिली है। और मैं तुमसे ज्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। अब रोना बंद करो। उस दिन के बाद सुमन कभी बीमार नहीं पड़ी और अपनी प्यारी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, हमारी माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, हमें हमेशा माँ का ऋणी होना चाहिए। श्रीरामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू रहा करते थे। वे लोग गरीब जरूर थे लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, हमेशा मेहनत करते और अपना पेट पालते थे। अरे शीला, चलो जल्दी खाना दो, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। हाँ जी, बस 5 मिनट और। कुछ देर बाद शीला खाना लेकर आती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजी, कल आपको इतने जल्दी क्यों जाना है? अरे भाग्यवान, कल खेतों में बहुत सारा काम है इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ठीक है, अब बातें बंद करो और तुम भी सो जाओ। अगले दिन मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत में जाता है और काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा पड़ जाता है। मोहन खेत से निकल ही रहा था कि तभी उसका पाव एक सांप पर गिर गया। उस सांप ने मोहन को काट लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने खेतों में से घर गए थे और मोहन के चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और उन्होंने देखा कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। गांव वाले मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन भाई, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मोहन नहीं उठता। तभी एक आदमी की नजर मोहन के पैर पर पड़ती है। अरे मोहन भाई को तो सांप ने काटा है, ये देखो उसके निशान। सारे लोग मोहन को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ है मेरे पति को, आप सभी ने ऐसे क्यों उठा कर ले आए हो? तभी एक आदमी शीला को सारी हकीकत बताता है। वो सब सुनकर शीला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? शीला फूट फूट कर रोने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी और शीला भी अब खेती में काम करके अपने घर का गुजारा करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। माँ जल्दी टिफिन दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा, अभी लाई। शीला टिफिन लेकर आती है और राजू को देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब कॉलेज जाने लगा था। उसे कभी भी अपनी माँ की हालत पर दया नहीं आई थी। अब वो बहुत गैर जिम्मेदार बन गया था। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सब कल कहीं पिकनिक पर जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजे करेंगे। ऐसा कह के सारे दोस्त घर निकल जाते हैं और राजू वही बैठकर सोचने लगता है। मैंने सबको पिकनिक के लिए हाँ तो बोल दिया, मगर मैं पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इसी सोच में डूबे हुए राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कल के कल 5,000 रुपए चाहिए। अरे मेरे लाल, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कुछ भी करके आज शाम तक पैसे दे दो, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा ऐसे मत करो, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। माँ आप कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ। अब शीला सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए। शीला अपने खेत के मालिक के पास जाकर आधे पैसे उनसे उधार लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अब शीला अपने पड़ोसी के घर जाकर और कुछ पैसे उधार लेकर आती है और जैसे तैसे वो 5,000 रुपए जमा कर लेती है। माँ चलो मुझे पैसे दो जल्दी। हाँ मेरे राजा बेटा, अभी देती हूँ। शीला राजू को पैसे दे देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाता है। बेटा संभल कर जाना और पैसे बराबर रखना। हाँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अभी। राजू घर से निकलता है और सारे दोस्त पिकनिक के लिए बस पकड़ते हैं। बस में राजू की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे बहुत पसंद आती है। राजू उससे बात करने लगता है। हाय, मैं राजू, आपका नाम? मैं प्रांजल। इस तरह बातों बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन प्रांजल एक बहुत गुस्से लड़की थी। पिकनिक से वापस आने के बाद
राजू प्रांजल को अपने घर लेकर जाता है। माँ देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है बेटा? शीला प्रांजल की ओर देखती है, लेकिन प्रांजल शीला की ओर बहुत गुस्से से देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रांजल उनके घर से निकल गई। माँ कैसी लगी प्रांजल तुम्हें? मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। बेटा मुझे ये लड़की सही नहीं लगी, तुम्हें इससे कई अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मत सिखाओ मुझे, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रांजल के साथ ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजू और प्रांजल की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रांजल अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो। अरे बेटी, पर मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही तो करना है ना। तभी का तभी देखा जाएगा, आप मुझे मत सिखाओ। शाम को जब राजू घर आता है। एजी देखो ना, तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती और मेरे से सब करवाती है और ऊपर से झगड़ा भी करती है। राजू बाहर जाता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता है। प्रांजल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। प्रांजल हर रोज राजू को उसकी माँ के बारे में भड़काती रही, राजू को अपनी माँ से दूर करती रही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने खुद के हाथ थोड़े जला लिए और शाम को जब राजू घर आया। एजी देखो, आज आपकी माँ ने क्या किया। मैंने काम करने के लिए मना किया तो आपकी माँ ने मेरे हाथ जला दिए। प्रांजल की बातें सुनकर राजू बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो। और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ बेटा, जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचो, ऐसा मत करो बेटा। ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। बेचारी शीला अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। वो पास ही के एक मंदिर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजू के सीने में दर्द होने लगता है। अरे सुनो प्रांजल, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रांजल राजू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और प्रांजल से कहते हैं, देखिए मैडम, आपके पति के दिल में छेद है। हमें कल के कल कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अपना दिल इन्हें दे, नहीं तो हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रांजल बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये बात राजू के पड़ोसन को पता चलती है और वो जल्दी से ये बात राजू की माँ को बताती है। जैसे ही राजू की माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाओ, आप मेरा दिल ले लो मगर मेरी बच्ची की जान बचा लो। शीला अपना दिल राजू को दे देती है और खुद अपने बेटे के लिए इस दुनिया को अलविदा कहती है। राजू का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन जब राजू होश में आता है तो वो प्रांजल से पूछता है, अरे प्रांजल, मुझे क्या हुआ था। प्रांजल राजू को कुछ बताती तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं। राजू, तुम्हारा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या था। तुम्हारे दिल में छेद था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर राजू और प्रांजल की आंखों में आंसू आने लगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। क्या, मेरी माँ ने अपना दिल मुझे दिया। हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने अपना दिल तुम्हें दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की बातें सुनकर राजू हक्का बक्का हो जाता है। प्रांजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया मगर तुम्हें मेरी चिंता कभी हुई ही नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी पड़ने नहीं दूंगी। बस मैंने तो अपना वादा निभाया, खुश रहना मेरे लाल। ये सब सुनकर राजू बहुत रोने लगा, मगर अभी रोकर कुछ फायदा नहीं था। राजू की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा ना कोई है और ना ही कोई हो पाएगा। जिनके नसीब में माँ और पिता दोनों का प्यार है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब लोग हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो। गरीब बना करोड़पति। केशवपुर नाम के गांव में एक सरिता नाम की विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा बहुत ही मासूम था, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो लोग कोई त्योहार तक नहीं मना पाते थे। सरिता घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम करती थी।
ऐसे ही एक दिन, माँ तुम हमेशा काम करती हो, मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हम खाना क्या खाएंगे। हाँ माँ तुम सही कह रही हो, मैं बड़ा होकर नौकरी करूँगा और तब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। हाँ मेरे बेटे। सरिता अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। शिवा अपने माँ की हर तरह से मदद कर दिया करता था। वो स्कूल जाकर बहुत पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी। वो स्कूल में हर साल अव्वल आया करता था, जिस वजह से स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिला करती थी और उसी स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल के बाद शिवा अपने माँ के साथ काम पर जाता था। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि उसे जहाँ जो कुछ मिले वो पढ़ाई शुरू कर देता और इसी वजह से उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बन गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ हरिप्रसाद जी के घर गया। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं मेरे काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। सरिता वहाँ से काम करने चली जाती है। शिवा वही हॉल में बैठकर एक न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है। तभी हरिप्रसाद जी की लड़की शमा वहाँ आती है और शिवा को देखकर उसे बोलती है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ मेरी माँ के साथ आया हूँ। अच्छा मगर तुम्हें मेरे घर में इस पेपर को किसने हाथ लगाने बोला, ये मेरा है समझे। अरे मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अच्छा मेरे घर में आकर मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो, पिताजी पिताजी। उसकी आवाज सुनकर हरिप्रसाद बाहर आते हैं। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्यों आवाज लगा रही हो। पिताजी ये देखो मेरे घर में आकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ए लड़के तुम यहाँ कैसे आए, किसके साथ आए हो। मैं मेरी माँ के साथ आया हूँ। ये सब बातें सुनकर सरिता भी हॉल में आ गई। क्या हुआ है साहब, ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है। जी साहब ये मेरा बेटा है और ये घर पे अकेला था इसीलिए मैं इसे साथ लेकर आई। माँ मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। शिवा सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया। जी मेरा लड़का आज के बाद कभी भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। यही उसके लिए ठीक होगा। सरिता अपने बेटे शिवा को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शिवा के स्कूल में रिजल्ट आता है। उनकी पांचवी कक्षा में शिवा अव्वल आया था और हरिप्रसाद की बेटी तीसरे नंबर से पास हुई थी। उसी दिन सरिता अपने बेटे को लेकर हरिप्रसाद के घर काम करने गई। बेटा इधर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, आज मैं जल्दी काम खत्म करके आऊंगी ठीक है। हाँ माँ मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। शिवा चुपचाप वहां एक कोने में खड़ा रहा। कुछ देर बाद शमा के कुछ दोस्त उसके घर आए। सब लोग हंसी मजाक करने लगे और शमा का स्कूल में तीसरा नंबर आने की वजह से शमा ने एक केक काटा। आओ दोस्तों चलो मिलकर हम केक कट करते हैं। शमा और उसके सारे दोस्त केक खाने लगे। कोने में खड़ा शिवा ये सब देख रहा था। तभी उसकी माँ काम खत्म करके वहाँ आई। चले बेटा घर, बहुत देर हो रही है। माँ मुझे भी केक चाहिए। चलो बेटा ये केक हमारे लिए नहीं है। मगर माँ उन्होंने तो वो केक कुत्ते को भी खिलाया मगर मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुद मेरे बच्चे को केक खरीद कर दूंगी। सच में माँ। हाँ मेरे बेटे चलो अब घर। हाँ माँ। अब शिवा और सरिता घर जाने के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते रास्ते में एक छोटा बच्चा सरिता के पास आता है और उसे कहता है, माँ जी आप एक लॉटरी का टिकट ले लीजिए ना, सिर्फ एक रुपए का है ले लीजिए ना। माँ ले लो ना लॉटरी का टिकट। ठीक है दे दो। सरिता उस बच्चे को एक रुपया देकर उससे वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते हैं। घर जाकर सरिता उस टिकट को भगवान के सामने रखती है और घर के काम करने लग जाती है। शिवा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान तुम हमेशा सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो, मुझे ये लॉटरी का टिकट लगने दो। दूसरे दिन सरिता अपने घर के काम खत्म करके शिवा को लेकर फिर से हरिप्रसाद के घर जाती है। उस दिन भी शिवा की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हरिप्रसाद की बेटी शमा वहां आई और उससे कहा, ए शिवा इधर आओ, मेरे ये खिलौने भरकर एक जगह रख दो। आया। अरे कितना टाइम लगाते हो।
शमा सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक लॉटरी के टिकट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक लॉटरी का टिकट ले लो, मगर आपने नहीं लिया। देखो 11223 नंबर को लॉटरी लगी है पिताजी। अच्छा बाबा, कल लेकर दूंगा, ठीक है? जी पिताजी। ऐसा कहकर शमा न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गई। तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लॉटरी का टिकट निकाला और उस पर जो नंबर था वो देखा और उसे वही नंबर दिखाई दिया जो उस न्यूज़पेपर में था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ जल्दी इधर आओ। शिवा की आवाज सुनकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर आ गई। उसने शिवा के हाथ में वो लॉटरी का टिकट देखा और कहा, अरे क्या हुआ है शिवा, ऐसे आवाज क्यों थी बेटा? अरे माँ, हमें लॉटरी का टिकट लगा है, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्या शिवा, ये सच है? हाँ माँ ये सच है, और अब हमें किसी अमीरों के यहाँ नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो माँ यहाँ से। हाँ चलो सेठ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और उसका बेटा शिवा वहाँ से चले जाते हैं। शमा और हरि प्रसाद उन दोनों की ओर देखते ही रहते हैं। उन लॉटरी के पैसों की मदद से सरिता एक अच्छा घर बनवा लेती है, अपने बेटे शिवा की सारी जरूरतें पूरी करती है, उसे उसका मनचाहा केक भी खिलाती है। अब सरिता को काम करने की कोई जरूरत नहीं बची और वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए।